हेलो फ्रेंड्स, मैंने आज प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग लाइव चैट करेंगे. सो आई एम हेयर. सो पता नहीं, मैंने ज़्यादा किया नहीं कभी. सो आज मेरे ख्याल से सेकेंड या थर्ड टाइम कर रहा हूँ, तो पता नहीं आप लोगों तक पहुँच रहा है मैसेज. हाय, हाउ आर यू? हाय मोहम्मद, अब्दुल्ला, परवेश, सोनल, अक्खी, अक्की, हाय, हेलो, होप यू गाइज आर फाइन. गुरप्रीत सिंह, थैंक यू ब्रदर. सो अभी जस्ट हम लोग शूट कर रहे थे और अभी चल रहा है अंदर. और पर थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे लग रहा था कि शायद मैं ऐसे आना नहीं चाहता था लो एनर्जी के साथ. पर फिर दिल किया कि मैंने कहा नहीं यार, मैंने बोला था कि मैं आऊँगा लाइव बिकॉज मैं बहुत कम आता हूँ. सो होप आप सब ठीक हैं. बकास पाकिस्तान, वी रियली लव यू, ये फिरंगी. थैंक यू ब्रदर. शिव प्रकाश, लव यू टू ब्रदर. थैंक यू सो मच फॉर योर लव. और सुनील सर कब वापस आ रहे हैं? दोस्त है अपना, जब भी उनका दिल करे. मैं मिलके भी आया था उनसे. और लेट्स सी, नेक्स्ट एपिसोड में यार, अभी एक शाहरुख भाई के साथ हम लोग शूट करने वाले थे और मेरी ही हेल्थ की वजह से थोड़ा ख़राब हो गया. मैंने शायद ज़्यादा बैक टू बैक वो सब शेड्यूल ख़राब कर लिया. ये पीछे हमारा डायरेक्टर है, ये लाइटिंग करने में बिजी है. बंद कर दो उसको. हाउ आर यू ईशा? एक मेरे दोस्त ने लिखा है कि कुछ तो अभी निकल गया यार वो कमेंट कि जो सक्सेस को हैंडल नहीं कर सकता और ये वो. सो ऐसी बात नहीं मेरे दोस्त, सभी सभी की लाइफ में ये सब चीज़ें होती हैं. और मेरे ख्याल से किसी के पास भी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो कभी मौका मिला तो एक्सप्लेन करूँगा. थैंक यू सो मच भरत जी, आरती जी, रश्मि जी. जी मैं रश्मि जी, जी मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ और मैं मिला हूँ उनसे दो तीन बार और ही इज़ लाइक ए ब्रदर. और खैर एनीवेज, जब भी उनका दिल चाहे वो आ सकते हैं. फिरंगी की शूटिंग की वजह से आपने शाहरुख का एपिसोड नहीं किया? अच्छा, ये भी आ रहा है न्यूज़ में. चलो दोनों चीज़ें मेरी हैं, वो शो भी मेरा है और फिल्म भी मेरी अपनी है. सो अगर मैं कोई भी शूट मिस करता हूँ तो मेरा ही नुकसान है, और अगर मैं स्पेशली शाहरुख भाई का शूट मिस करता हूँ तो मेरा ज़्यादा नुकसान है. और शो से मुझे पैसे मिलते हैं, यहाँ पर मैंने पैसे लगाए हैं, तो जहाँ से मुझे मिलते हैं मेरे ख्याल से मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो खैर एनीवेज, न्यूज़ आती रहती है, बहुत सारी न्यूज़. मैं अभी आजकल ये जो डिजिटल मीडिया पे भी एक छोटे छोटे चैनल बन गए हैं जो मेरे ख्याल से ऑथराइज्ड भी नहीं होते हैं और थोड़े थोड़े लाइक्स लेने के लिए कुछ भी बोलते हैं. जैसे इन्होंने हमारी कंट्रोवर्सी के बारे में भी लिखा कि खाना खा लिया था टीम ने और मैं भड़क गया और इससे लड़ाई हो गई और मेरे आने से पहले. तो मैं भी उसी फ्लाइट में था, मैं कोई दूसरी फ्लाइट से तो नहीं कूदा था. तो ये सब चीज़ों में तो खैर अभी मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ शायद इसीलिए वो लोग पोक करने के लिए और ऐसी चीज़ें छापते हैं. सो आई डोंट केयर. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. और बस अभी हम लोगों का शूट अभी अंदर चल रहा है और मैं, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था तो मैं सोचा मैं जाके एक बार हेलो हाय कर दूं आप सबको. सो दोबारा मैं एक बार जब टोटली फ्रेश होऊंगा दोबारा से मिलता हूँ और आई होप कि सब साथियों के साथ मिलूँगा. जी सीन सिंगापुर. थैंक यू सो मच फॉर योर लव, और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा. और आज हमारा शायद फाइनल हो जाएगा पैकअप आज मूवी का भी. और
कल हमारे शो का भी शूट है, और आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, और बाकी कोशिश करते रहेंगे जैसे आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपको हंसाते रहें। तो मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ कभी कभी, तो मेरे चेहरे पे भी आ जाता है, मेरी परफॉर्मेंस में भी फ़र्क नज़र आता होगा आपको, मैं भी मिस करता हूँ जी। थैंक यू सो मच। मैं अभी मैंने एक्चुअली पहले कभी ये रियलाइज़ नहीं किया कि हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अभी मैं ध्यान रखूँगा, और थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। सबीना थैंक यू सो मच। तो मैंने एक्चुअली यही सोचा, मैंने कहा यार अगर कुछ भी न्यूज़ आती है, और कई कई बार तो अजीब अजीब चीज़ें आती हैं जो भी पढ़ के हैरान होता हूँ कि अच्छा ये भी हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद इससे अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, ताकि जो भी आपके मन में बात हो आप मुझसे पूछें और मैं आपको बता सकूँ। सो शुक्रिया आपके प्यार के लिए। सो जल्दी मिलते हैं दोबारा। अभी अंदर जाके देखता हूँ, बींग ए प्रोड्यूसर देखूँ अंदर काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, एंड सेम फॉर मी। थैंक यू।